सरकार आपकी, मुख्यमंत्री आपके, पुलिस आपकी, पार्टी आपकी, विधायक आपके, आप अपने ही विधायकों को नहीं जोड़ पाए और दावा करते हो भारत जोड़ने का। हिमाचल में कांग्रेस का ये हाल है। हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। दरअसल बागी विधायकों का नेतृत्व सिंह साहब ही कर रहे थे, लेकिन आखिर में चार विधायक वापस आ गए। इनका मकसद सरकार को नहीं, मुख्यमंत्री को गिराना है। अगर वही चार विधायक बीजेपी के खेमे में चले गए तो सरकार और मुख्यमंत्री दोनों गिर जाएगा। विक्रमादित्य सिंह ने कल रात को दिल्ली नेतृत्व को यानी कि गांधी परिवार को फोन कर बता दिया था कि वो एक दिन भी मुख्यमंत्री के साथ काम नहीं कर सकते। अब ज्यादा विकल्प नहीं है, मुख्यमंत्री हटेंगे या फिर सरकार गिरेगी। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में आया उथल पुथल थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसकी वजह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार पर संकट के बादल मंडराते दिख रहे हैं। ताजा घटनाक्रम में सुक्खू सरकार में मंत्री और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने पद से इस्तीफा दे दिया है। इससे सुक्खू सरकार पर संकट और बढ़ गया है। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद विक्रमादित्य सिंह ने मीडिया को संबोधित किया। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल विधानसभा चुनाव में 6 बार मुख्यमंत्री रहे उनके पिता स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के नाम का इस्तेमाल किया गया। विक्रमादित्य सिंह ने आगे कहा कि ये हकीकत है और रिकॉर्ड में भी है। कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सभी के सहयोग से हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी। उन्होंने कहा कि 1 साल इस सरकार को हो गए। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि उन्होंने अब तक कभी भी सरकार के कामकाज के तौर तरीके पर कुछ नहीं कहा, लेकिन आज वक्त आ गया है कि उनको कहना पड़ रहा है। विक्रमादित्य सिंह ने आगे कहा, उन्होंने हमेशा माना कि पद महत्वपूर्ण नहीं है, हिमाचल प्रदेश की जनता से संबंध ही सबसे अहम है। बता दें कि वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शुमार किए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में जब पिछले चुनाव हुए और कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई तो माना जा रहा था कि विक्रमादित्य सिंह की मां और प्रदेश की कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री पद हासिल करने के लिए प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य ने खूब जोर भी लगाया था, लेकिन कांग्रेस आला कमान ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री बना दिया। अब जबकि सुक्खू के खिलाफ माहौल बना है तो विक्रमादित्य ने भी मंत्री पद छोड़कर दबाव बनाने का प्रयास किया है। खास बात यह है कि विक्रमादित्य ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठान में भी ये कहकर हिस्सा लिया था कि बतौर सनातनी उनकी जिम्मेदारी बनती है।